ये चिकन कारी, ये चिकन कारी है लेकिन ये ऑर्डर आए हुए ट्राउजर, ये ट्राउजर में भी है, ये ब्लैकिश ब्लू कलर है, प्लस समरी कलर है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। कपड़ा लेके नीचे फ्लेयर वाला शरारा भी बना सकते हैं इसकी, बहुत अच्छी लॉन के लगे, बड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी ना, बहुत लाइनिंग हुई हुई है ये थ्रेड की और ये डोरी। Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another interesting vlog. अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी मार्केट में जहाँ से आपको लोकल मार्केट से ब्रांडेड क्वालिटी का लॉन का फैब्रिक मिलेगा। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिनमें मैंने रिक्रिएशन की हुई है, ड्रेस डिजाइनिंग की हुई, तो उनके लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिले, तो जरूर जाकर वो भी देखिएगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। सो इसको लेकर जा रही हूँ 6th रोड रहमानाबाद के राबी सेंटर, जो कि रावलपिंडी में मौजूद है। ओल्ड राबी की बेसमेंट में हम जाएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस राबी सेंटर की बात कर रही हैं। तो राबी सेंटर दो हैं यहाँ पर, राबी 2 और ओल्ड राबी। इस वक्त मैं आपको ओल्ड राबी में साहिल फैब्रिक्स पर लेकर जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इस शॉप को कवर कर चुकी हूँ और दोबारा इस शॉप को कवर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि इनकी शॉप की फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक इनकी शॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। इससे पहले भी मैं इनकी शॉप से फैब्रिक ले चुकी हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी शॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जो कि ये फैब्रिक सेल करते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर ये देते हैं लेकिन बार्गिन कराने पे कम कर देंगे। वैसे ये इस वीडियो में बता रहे थे कि 3000 रुपये का सूट है लेकिन आप लोगों को 2500 रुपये का लॉन का सूट मिल जाएगा। और ये जो मुझे लॉन दिखा रहे थे, ये तमाम स्टैम्प्स लॉन थी, इनके ऊपर स्टैम्प लगी हुई थी, इम्पोर्टेड लॉट की लॉन्स थी इनके पास और इतने प्यारे प्रिंट थे और कलर की हर चीज़ की गारंटी थी कि पानी में जैसे मर्जी यूज़ करें, वॉश करें, ये कभी भी फेड नहीं होगा। जैसे ब्रांड्स पे सेल हो रहे हैं सेम वैसा ही फैब्रिक है। बात करें बहुत ही खूबसूरत कपड़ा होता है, कपड़े की गारंटी देंगे कि कलर खराब नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं, ये वाला कलर दिखाएं। ठीक है, ये देखें, ये समर्स का कलर है, ये चेक करें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस, इट्स लुक सो प्रिटी। ये देखें, बहुत प्यारा समरी कलर है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। बुटीक्स वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी ब्रांड्स जो होते हैं, ये इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। बहुत प्यारी लॉन है ये, ये इम्पोर्टेड है। एक आती है पाकिस्तानी जो हमारी शॉप पे नहीं मिलती, मार्केट से मिल जाती है, किसी की बुराई नहीं करते लेकिन ये मार्केट से मिल जाती है लेकिन हम वो चीज नहीं रखते, ये इम्पोर्टेड है। ठीक है, कलर की भी गारंटी होती है, कपड़े की भी गारंटी होती है, हर चीज की गारंटी। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको उसी रेट में 3000 का, 3000 का टू पीस आपको सूट मिलेगा, परफेक्ट कलर वगैरह लॉन में है। ठीक है, ये वाला अभी हमने बर्बरी लॉन। अब आप ये ग्रे वाला ड्रेस देख रहे हैं, इस तरह के यूजुअली प्रिंट्स एथनिक पर होते हैं और सेम फैब्रिक ये वाला एथनिक यूज कर रहा है इस वक्त। ठीक है, मैसूरी लॉन में था ये और मेरा पहले बहुत दिल था कि मैं ये वाला फैब्रिक लूँ और इसकी डिजाइनिंग करूँ, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ईद की डिजाइनिंग आ रही है आपके साथ तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने अभी थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक लिया है। ठीक है, मैंने ये वाला नहीं लिया, तो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फैब्रिक लिया और किस तरह से उसको डिजाइन किया है। आगे डिटेल में आपके साथ फॉर ईद लुक्स शेयर करूंगी कि आप ईद के ऊपर किस तरह का ड्रेस पहन सकते हैं अपने कम्फर्ट जोन के अंदर रहते हुए और उसको किस तरह से स्टाइलाइज कर सकते हैं विद ज्वेलरी, शूज, बैग्स और मेकअप के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून ऑन माई यूट्यूब चैनल, आगे बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। और मुझे एक ये वाला प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा था, अगर आपको लॉन के सेम कॉर्ड सेट्स बनाने हों तो आप इस तरह का भी फैब्रिक लेकर फॉर कैजुअल वेयर इस तरह बना सकते हैं। ये तमाम प्रिंट्स आपको मिलेंगे ब्रांड्स के ऊपर ही, ठीक है, और इनकी क्वालिटी मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस ड्रेस के ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई थी, ये कतर मेड था, ये कतर में बना था और उसके बाद ये पाकिस्तान में आया था, जो कि ये दिखा भी रहे थे कि ये मिडिल ईस्ट जो है उनके लिए उनके वेदर के हिसाब से बनते हैं, तो ये इम्पोर्टेड लॉन इनके पास पड़ी हुई थी। इसमें प्यारा है, फॉर ईद के लिए आप इस तरह बना सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो एक हम ये पूरा सूट ले लेते हैं इनसे, ठीक है ना, ये फुल सूट आप हमें काट दें, ये सी थ्रू तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अगर ये देखें, हाँ ठीक है, ये अभी पानी में नहीं गया, कोर है। ठीक है, पानी में जाएगा ये गफ भी होगा। अच्छा, गफ भी होगा, खराब तो नहीं ना होगा, गारंटी है ना कलर की, मारो फिर भी नहीं खराब, आपको मैंने पहले दिया था। हाँ बिल्कुल, ये आप देख ले, इधर से थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, लॉन के प्रिंट्स बहुत खूबसूरत लॉन के प्रिंट्स है, चिकनकारी के भरे हुए इनके पास। इस साइड पे जरा जाते हैं, ये देखें, भरी हुई है चिकनकारी ऑल ओवर, बहुत प्यारे प्रिंट्स है इनके पास। यहाँ से फैब्रिक लिया जो कि डोरिया लॉन में था और उसको लेकर मैं चली गई न्यू लेस सेंटर, जो कि कमर्शियल मार्केट में रंग वाली गली में इनकी
की शॉप है, मैं अपनी तमाम लेसेस इन्हीं से लेती हूँ। इनके पास बहुत ज़्यादा प्यारी और डिफरेंट लेसेस होती हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट ये प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल भी कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका कभी यहाँ चक्कर लगे तो ज़रूर इनकी शॉप पर विज़िट कीजिएगा। और मैंने इसके साथ टाई एंड डाई का दुपट्टा डाई करवाया था चनार फैब्रिक से और अब मुझे टेसल्स लेने थे और मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में फिरी लेकिन मुझे टेसल्स बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैं शान जरी से हैंडमेड टेसल्स बनवाए। ये टेसल्स आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 टेसल्स दुपट्टे के लिए बनवाए थे और 2 टेसल्स मैंने जो थे वो शर्ट के लिए बनवाए थे, और इस दुपट्टे के ऊपर मैंने सितारे वाली पीको करवाई और टेसल्स भी मैंने उन्हीं से लगवा दिए। अब बात कर लेते हैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग की, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट एंड डार्क का कम्बिनेशन किया है। अच्छा, इसकी जो नेक लाइन है इसके ऊपर मैंने डीप यू रखवाकर, ठीक है, इसकी गुलाई डीप यू करवाई और उसके ऊपर मैंने एक सादा कपड़ा लगवाया लॉन का, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने चेक में इसके ऊपर हमने पिंटिक्स डलवाए इसकी नेकलाइन पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चेक पिंटिक्स डलवा कर और मैंने साइड चॉक्स पर, साइड स्लिट्स पर, दामन पर और स्लीव्स पर मैंने हल्की सी फैंसी लेस लगवा दी जो कि इसको बहुत अच्छे से इन्हेंस करी है। 2 कलर्स में हमने इस पर लेस लगवाई है, ठीक है। और आप इसका दामन देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जब लेस लगवाइए तो लेस के साथ ये काफ़ी इन्हेंस हो गया इसका दामन, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका दामन। तो आप लोग इस तरह से लेसेस लगवा के एक लॉन के सूट को अच्छा फैंसी भी कर सकते हैं। ट्राउज़र पे मैंने कुछ नहीं करवाया था, ट्राउज़र मैंने इसका सीगरेट पैंट ही रखा है और बैक से मैंने स्मॉल नेकलाइन बनवाई थी तो बैक से मैंने इस तरह बटन लगवा दिया था जैसे यूजुअली ब्रांड्स पे लगा हुआ होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसके दुपट्टे पे 4 साइड हमने टेसल्स लगवाए, इसको मैंने इस तरह से वेयर किया विद चूड़ियाँ और एथनिक ज्वेलरी और पिंक खुस्से के साथ, क्योंकि अगर मैं इसको किसी और कलर के साथ करती तो शायद ये इतना अच्छा ना लगता, लेकिन पिंक के साथ इसकी अच्छी अलग सी लुक आ रही है। अब आप लोगों के पास अगर हील्स हैं तो आप हील्स के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस चीज़ के साथ इसको एसेसराइज करना है। इसकी स्लीव्स के ऊपर मैंने हल्की सी चुन्नट्स डलवाई थी ताकि ये पफी स्लीव्स लगें और छोटी नेकलाइन और आगे टेसल्स लगवाएं। ये डोरी भी मैंने शान जरी से ही बनवाई है और ये दुपट्टा मैंने छल्ले डिज़ाइन में डाई करवाया, ठीक है, 3 टोन्स छल्ले डिज़ाइन में हमने दुपट्टा इसका डाई करवाया। शिफॉन का दुपट्टे का फैब्रिक है, कपड़े का फैब्रिक लॉन डोरिया है, साइड स्लिट्स पे चौक पे लेस है, स्लीव्स पे लेस है। अच्छा, इसकी जो स्लीव्स हैं ऊपर से पफी हैं और आगे से नैरो स्लीव्स रखवाई हैं, ठीक है, और नेकलाइन को डीप यू दे के उसके ऊपर सादा कपड़ा लगवा कर और चेक पिंटिक्स हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से अपने टेलर को डिज़ाइनिंग दिखा सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस तरह से बनवा सकते हैं। और ये टेसल्स जो हैं वो हैंडमेड बने थे, ठीक है, ये टोटल टेसल्स उन्होंने मुझे 1000 विद डोरी बना कर दिए थे, ठीक हो गया, शान जरी से मैंने बनवाए थे। और इस ड्रेस की तमाम डिटेल्स और जितने का ये कॉस्ट आई है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है, ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग विद एन अदर अमेजिंग कॉन्टेंट विद चिकनकारी, बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर ईद लुक, फैंसी वेयर भी आ रहा है, कैसे स्टाइलाइज करूंगी, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।